देखो ये बात तो हम सब जानते हैं कि वेडनेसडे एक ऐसी सीरीज है जिसने पिछले साल नेटफ्लिक्स पर आग लगा दी थी और ये नेटफ्लिक्स की थर्ड मोस्ट वॉच सीरीज एवर बन चुकी है। अपने ब्रिलियंट विजुअल्स एंड ग्रेट कैरेक्टर्स की वजह से इस सीरीज ने काफी सारे फैन बना लिए हैं, लेकिन भाई इसके नेक्स्ट सीजन के लिए फैंस को कम से कम एक साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और इसी इंतजार को आसान बनाने के लिए वेडनेसडे से सिमिलर नेटफ्लिक्स शोज का ये स्पेशल वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज वेडनेसडे से कितनी सिमिलर है और क्यों है। तो चलिए फिर जल्दी से आज के सुपरनैचुरल राइड शुरू करते हैं ब्रो। नंबर 5 पे एक ऐसी डिसफंक्शनल सुपर हीरो फैमिली की कहानी है जिसकी डार्क कॉमेडी शायद वेडनेसडे से भी अच्छी है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपर हीरो सीरीज द अम्ब्रेला अकेडमी, जिसमें हम हार्ग्रीव्स फैमिली को वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट्स का सामना करते हुए देखते हैं। देखो वेडनेसडे की ही तरह अम्ब्रेला अकेडमी में भी काफी मिसफिट कैरेक्टर्स हैं जो इसे काफी फनी और एंटरटेनिंग बनाते हैं। अगर हम द अम्ब्रेला अकेडमी के वीक पॉइंट्स की बात करें तो इस सीरीज के कुछ एस्पेक्ट्स थोड़े ज्यादा ही अनबिलीवेबल हैं, और लॉजिक के साथ अगर इसे देखोगे ना तो फिर इसमें असली किक आपको नहीं मिलेगी। वेडनेसडे के बाद उससे मिलता जुलता कुछ एंजॉय करने के लिए आप अम्ब्रेला अकेडमी को ट्राई कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर एक कोल्ड और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर की कहानी है जो कि आपको वेडनेसडे एडम्स की याद दिला देगा, और इस स्ट्रेंज कैरेक्टर की यह कहानी हमें दिखाती है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। अगर साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के आप फैन हैं तो ये शो आपने जरूर देखा होगा। एक ऐसा साइको जिसे कुछ फील नहीं होता और वो अपने आप को सीरियल किलर समझता है। जब इसकी लाइफ में एक नए इंसान की एंट्री होती है तब इसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, यही जर्नी सीरीज को एंजॉयबल बना देती है। वेडनेसडे की ही तरह ये भी एक डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसके मेन कैरेक्टर की पर्सनैलिटी वेडनेसडे एडम्स से काफी सिमिलर नजर आती है, बस इसमें सुपर नेचुरल टच नहीं है जिसकी वजह से शायद ये सीरीज आपको थोड़ी डिफरेंट लगे, लेकिन इसकी ब्रिलियंट राइटिंग एंड जीनियस परफॉर्मेंसेज आपको बोर तो बिल्कुल नहीं होने देगी। ये इंटरेस्टिंग सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, आप वहां इसे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर फिर से एक डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसके मेन कैरेक्टर के पास भी वेडनेसडे की ही तरह कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं, और ये चीज इस सीरीज को वेडनेसडे से काफी सिमिलर बना देती है। ईयर 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई पॉपुलर सीरीज आई एम नॉट ओके विद दिस, भाई ये एक मिस्टीरियस यंग गर्ल की कहानी है जिसके पास कुछ स्ट्रेंज पावर्स हैं और ये पावर्स उसे सोसाइटी के लिए मिसफिट बना देती है। दोस्तों अगर नॉर्मली देखा जाए तो सीरीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स ने सीरीज को एक ही सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था जिससे काफी फैंस नाराज भी हुए थे। इस सीरीज की स्टोरी, कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंस सब ने व्यूअर्स को सेटिस्फाई किया था। वेडनेसडे से काफी सिमिलर इस सीरीज का एक सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप इसे वहां जाकर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पर ऐसी सुपरनैचुरल सीरीज है भाई जिसमें वेडनेसडे की तरह ही रिवेंज वाला फैक्टर, टीनेज मैजिक, स्टूडेंट्स एंड वियर कल्ट सब कुछ मिलता है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल द ऑर्डर जो अब तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन रिलीज टाइम पर ये काफी पॉपुलर रही थी। भाई सीरीज का लीड कैरेक्टर ना एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है जहां पर सीक्रेटली मैजिक सिखाया जाता है, और उसने खुद अपने कुछ सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। तो अब जैसे जैसे ये सीक्रेट्स खुलेंगे सीरीज एंटरटेनिंग होती जाती है। दोस्तों इस सीरीज की कहानी कुछ पॉइंट्स पर थोड़ी इनकंसिस्टेंट फील हो सकती है, लेकिन फिर भी इसके डार्क कॉमेडी एंड कैरेक्टर्स इसे एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं। द ऑर्डर एक लव्ड सुपरनैचुरल सीरीज है जिसकी कैंसिलेशन ने फैंस को काफी डिसअपॉइंट किया था। इसके 2 सीजन अभी भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सुपरनैचुरल जॉनर अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 1 पर वो सीरीज है जिसकी आउटलाइन वेडनेसडे से मोस्ट सिमिलर है, 2018 में शुरू हुई एक इंटरेस्टिंग सीरीज चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। इसमें एग्जैक्टली वेडनेसडे की ही तरह एक डार्क पर्सनालिटी वाली हीरोइन है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी है एंड ग्रेट डार्क कॉमेडी भी है जो इससे वेडनेसडे से एकदम सिमिलर बनाती है, और इसीलिए ये इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है। टीनेज विच सबरीना के एडवेंचर्स इसमें दिखाए गए हैं। वेडनेसडे की तरह सीरीज में भी मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर्स की कोई कमी नहीं है। इसके वीक पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसके कुछ स्टोरी पार्ट्स थोड़े अमेच्योरिश लगते हैं, लेकिन फिर भी इस सीरीज के अच्छे कैरेक्टर्स एंड ग्रेट सोर्स मटेरियल इसको मस्ट वॉच बनाता है। अगर वेडनेसडे आप देखकर खत्म कर चुके हैं तो उसके बाद इस इंटरेस्टिंग शो चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना को भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। सो वेडनेसडे एडम्स के फैन लोगों, आज की ये लिस्ट तो यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने का जो काम है ना वो तुम लोग सब अब शुरू करो। क्वालिटी कंटेंट यूं ही मिलता रहे इसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मोस्ट सिमिलर शोज के जो वीडियो स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहे हैं जरूर देखो, क्योंकि उनमें भी बहुत इंटरेस्टिंग शो आपको मिलने वाले हैं। कमेंट में बताना कि इस लिस्ट में से कौन सी सीरीज तुम्हारी फेवरेट है। तो बस आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।